देखो 12 फेल जिसने भी नहीं देखी है देख लेना भाई, इसलिए देख लेना कि उससे अच्छी मूवी अभी तक कोई बनी नहीं है। उससे रिलेट वो कर पाएंगे जो मुखर्जी नगर में रहते हैं। सबको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि सबके साथ श्रद्धा जोशी नहीं हो, किस्मत भी था ना, क्योंकि अगर वो लड़का वहां नहीं मिलता होटल के पास तो वो दिल्ली नहीं आ पाता। पांडे जी का नहीं हुआ तो गर्लफ्रेंड निकल गई ना। मुखर्जी नगर में खूब होता है, इश्क होता भी है और इश्क टूटता भी है, और वो मैक्सिमम आपके सफलता और असफलता पे डिपेंड करता है। एक साल भी कोई वहां रुक गया ना तो वो यादें हमेशा अपने साथ रखता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? देखो 12 फेल जिसने भी नहीं देखी है देख लेना भाई, इसलिए देख लेना कि उससे अच्छी मूवी अभी तक कोई बनी नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट मूवी, अभी आई थिंक बेस्ट मूवी है मुखर्जी, और उससे रिलेट वो कर पाएंगे जो मुखर्जी नगर में रहते हैं। तो जो मुखर्जी नगर में रहते हैं, मैंने कल ही रात में देखी है, मुझे अफसोस है कि मैंने कल रात में क्यों देखी, उसको पहले देखना चाहिए था। क्योंकि हमारे जो दोस्त उस समय मुखर्जी नगर में रहा करते थे, उन्होंने कॉल किया कि यार तुम्हारी याद आ रही है बहुत, मूवी देख लो इसको। तो हम लोग जब उस समय मुखर्जी नगर में थे तो वो सारा सीन वहां पे दिख रहा है, ठीक है, वही किंग्स का दुकान, पोस्ट ऑफिस के पास फोटोकॉपी की दुकान, तो वो गली मोहल्ला नेहरू विहार मुखर्जी नगर, ये सब सब मतलब एकदम रिलेट करता है। लेकिन एक चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सबको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि सबके साथ श्रद्धा जोशी नहीं होता। हर एक उतना किस्मत लेके नहीं आता जितना मनोज शर्मा लेके आए थे, किस्मत भी था ना, क्योंकि अगर वो लड़का वहां नहीं मिलता होटल के पास तो वो दिल्ली नहीं आ पाते, किस्मत था। बैग चोरी होना भी किस्मत था तो वो नहीं हो पाता। उसके बाद यहां आके उन्होंने उस किस्मत में क्या किया, उसमें किस्मत में मेहनत की चाशनी घोली और सफल हो गए। और उनका सपोर्ट करने के लिए वहां बहुत सारे कौन थे, गौरी भैया हैं, श्रद्धा जोशी है, उसका एक दोस्त है पांडे जी, तो ये सबको नहीं मिलता। तो श्रद्धा जोशी, गौरी भैया और पांडे जी सबको नहीं मिलता है, याद रखिएगा। और उस वो एक जमाना अलग था। तो यहाँ पे उसमें पांडे जी का नहीं हुआ तो गर्लफ्रेंड निकल गई ना, तो ये भी चीजें होती है, ये भी मुखर्जी नगर में खूब होता है। इश्क होता भी है और इश्क टूटता भी है, और वो मैक्सिमम आपके सफलता और असफलता पे डिपेंड करता है। अगर सक्सेस हो गए तो वो सक्सेस हो जाता है, नहीं हो गए तो वो छूट जाता है। तो वो काम आपको नहीं करना है आप। और वो एक जमाना था जब बहुत सारी दिक्कतें होती थी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली ये वीडियो देख रहे हो तो आपके हाथ में मोबाइल है, आप इस इंटरनेट की दुनिया से कनेक्टेड है। तो जब इंटरनेट की दुनिया से कनेक्टेड है तो आपको सब जानकारी। आप सोचिए एक वो लड़का 12 फेल में जो चंबल के बिहार से आया, जिसको पता ही नहीं होता डीएसपी, सिर्फ इसलिए पता था कि उन्होंने एक डीएसपी को देखा था, आईएएस आईपीएस क्या होता है मालूम ही नहीं। जिसको इतना नहीं मालूम है, सिलेबस तो गया ही, तो जिसको इतना भी नहीं मालूम है कि आईएएस क्या, आईपीएस क्या होता है, उसको बनना था और बन गया, चलिए ठीक है, वो बन गए अपने मेहनत और सपोर्ट के, दोस्तों के सपोर्ट के कारण। तो आपको तो बहुत पता है, आपके पास तो बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, आप तो बहुत ज्यादा अपडेटेड हैं, आप तो बहुत पहले ही पता कर चुके हैं, तो फिर आसान हो जाएगा ना थोड़ा। कंपटीशन उस समय भी था, कंपटीशन आज भी है, कभी कम नहीं हुआ है। यूपीएससी में जैसे पहले था वैसे आज है, आज भी अच्छा पढ़ेंगे, एग्जाम क्रैक करेंगे। तो एग्जाम निकालने के लिए सबसे पहले आपको टारगेट लॉक करना पड़ेगा। टारगेट लॉक करना बहुत जरूरी है, जिस तरह से मिसाइल में टारगेट लॉक किया जाता है ना, टारगेट लॉक करके लॉन्च किया जाता है, तो टारगेट लॉक कीजिए और खुद को लॉन्च कर दीजिए। अब आपको लॉन्च कर देना है, जो भी चीजें थी खरीदना पढ़ना लिखना सब कुछ छोड़ा है, तो अब अपने आप को झोंक दो 2024 के लिए। 2024 के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। इस साल अभी समय है, फैब का महीना है, मई में एग्जाम है यूपीएससी का, उसके बाद अदर एग्जामिनेशन सितंबर में, ऐसे ही अलग अलग एग्जामिनेशन है। तो जो भी एग्जाम 3 महीने बाद है, जो भी तीसरे महीने उसके बाद एग्जाम है, तो उसके लिए भी आपके पास टाइम है। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ रखा है तो आप आग लगाने की स्थिति में होंगे। अब या तो खुद में लगा लो या एग्जाम में लगा दो, दो ही हो सकता है, क्योंकि बहुत समय, अगर जितना ज्यादा समय लेंगे उतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप तैयारी करें तो आपके साथ एक मेंटर होना चाहिए, एक कोई गाइड करने वाला, मेंटरशिप होना चाहिए आपके अंदर। यानी प्रॉपर आप गाइडेंस नहीं लेंगे तो भटक जाएंगे, जिसके पास एक्सपीरियंस है उससे ले लीजिए थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ रहा है ना, बस समझना ये है कि अभी आपको लॉन्च कर देना है खुद को। सारे दुनिया को भूल जाइए, कोई नहीं है, बड़ी स्वार्थी दुनिया है ये। कर जाओगे ना तो जो 15 साल से आपको गाली दे रहे हैं वो 1 ही मिनट में बदल जाएंगे, और जो 15 साल से प्यार कर रहे हैं वो भी उसी में 1 मिनट में बदल जाएंगे।
बोलेंगे ये लफुआ था, वहां रह के कुछ नहीं किया, समझ में आ रहा है। और जो 15 साल से गाली दे रहे हैं वो कहेंगे हमको पता था ये लड़का कुछ ना कुछ करेगा, होता है ना ऐसा। तो इसका ये चीजें होती है। तो चीजों सबको सबको भूल जाइए, आप अपने आसपास गली मोहल्ला जो भी है सबको भूल जाइए, सारे रिलेशन को स्टॉप कीजिए, पहले एग्जाम देते हैं, एग्जाम क्रैक करते हैं, फिर देखा जाएगा, ठीक है, देखा जाएगा। कोई श्रद्धा भी है तो उसको भी कहिए रुक जाओ यार अभी थोड़े समय के लिए, पहले प्रीलिम्स का एग्जाम निकाल लेते हैं, फिर थोड़ा सा मिलेंगे, फिर मेंस का एग्जाम निकालेंगे, फिर इंटरव्यू के टाइम मिलेंगे, समझ में आ रहा है। तो अभी आपको पूरी तरह से अपने आप को एक कंसंट्रेट करना है, अपने आप को एक सिल्ड में ढालिए, तब जाके आप मजबूत होंगे अपने थॉट्स के लिए भी, अपने जो भी आपके अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी है उन सबको बांधने की जरूरत है, और उसको लगा दीजिए पढ़ाई, ठीक है, लगा दीजिए पढ़ाई में। और एक सजेशन मेरा है कि 12 फेल मूवी जरूर देख लेना, जो मुखर्जी नगर वाले हैं वो तो देखना ही, वो तो आप लोग देख ही लिए, मुखर्जी नगर वाले तो सब देख ही लिए होंगे, विकास सर उस मूवी में तो वैसे भी देख लोगे, वहां शूटिंग ही हुआ है तो देखे ही होंगे आपको, तो उस मूवी को जरूर देखिए, और जो दूर में रहते हैं वो भी देखिए, रिलेट करने की कोशिश कीजिए, कोई ना कोई तो है जो उम्मीद लगा के बैठा है आपका रिजल्ट आएगा, उस उम्मीद को तोड़ने की क्या जरूरत है। और एक बात बताऊंगा आपको सही, अगर आप पूरा अपना ताकत झोंक देना, आप मैं ये मान के चलता हूं कि आप यूपीएससी के लिए नहीं बने, ठीक है, और तैयारी कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए, उसके बाद अगर नहीं होता है तो अफसोस नहीं होगा, क्योंकि आपने कर दिया जो करना था, उससे ज्यादा है ही नहीं तो करेंगे कहां से, मेरे दिमाग की जो क्षमता है वो हमने सारा लगा दिया, जितना टाइम लगा सकते थे लगा दिया, जितना फोकस हो सकते थे, डेडिकेटेड हो सकते थे, वो सब कर दिया, जब सब कुछ करके ताकत लगा दी, अब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वो अफसोस आपको नहीं होगा। तो 2024 है, टारगेट को लॉक करो और हिट करो सीधा, मतलब एकदम फोर डालो, लगे कि हाँ किसी ने किया है स्टार्ट, मतलब जो उसके अंदर एक वर्ड है ना रीस्टार्ट, कर दीजिए एक बार रीस्टार्ट कीजिए, वो इस सेशन के साथ ही स्टार्ट कीजिए, आप जो अभी वीडियो देख रहे हैं ना इसके साथ ही स्टार्ट करो, जो हो गया सो हो गया, एक बार करके देखिए, तुम एक बार करके देखो, खाने पे, घूमने पे, जो भी आपके एंटरटेनमेंट के साधन है उस पे, और सोने पे, इतने पे कंट्रोल कर लीजिए, और किसी से बात बात करते हैं फोन पे ज्यादा उस टाइप की तो वो सब कंट्रोल कर लीजिए, तो अब क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन बिगड़ता है, फोकस बिगड़ता है, तो उसको सबको एक जगह कीजिए, हिट कीजिए, होगा, ठीक है। और जहां तक रहा मेंटरशिप के लिए, तो हम लोग हैं, आपको गाइड करते रहेंगे, कुछ भी होगा कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, उससे रिलेटेड आपको प्रॉपर गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जम की तैयारी कीजिए और दिखा दीजिए कि आप वही हैं जो कर सकते हैं, उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होंगी। और फिर एक बार छोटा सा रिक्वेस्ट है कि 12 फेल मूवी देख लेना, अच्छी मूवी है, होपफुली कि सब देख ही लिए होंगे, लेकिन अगर कुछ छूट गया होगा किसी का तो छोड़ना मत, अच्छी मूवी है, आपको देखना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो जो जज्बा है ना उसके अंदर, अगर मुखर्जी नगर के नहीं है तो भी, अरे कमाल की बात मालूम है, जो मुखर्जी नगर के हैं, जैसे हम लोग जैसे कई सारे हैं जो वहां से आ गए वापस नहीं हुआ, तो ऐसे कई सारे तो जिन जिन लोगों ने इस मूवी को देखा है सबकी यादें ताजा हो गई, क्योंकि मुखर्जी नगर में कोई अगर एक साल भी रह गया तो वो याद कभी नहीं खत्म होता। आप में से अगर कोई भी मुखर्जी नगर का है तो आप इसे रिलेट कर पाएंगे, एक साल भी कोई वहां रुक गया ना तो वो यादें हमेशा अपने साथ रखता है, और कभी भी एक छोटा सा इमेज और वीडियो भी आ जाता है तो वो सारी पुरानी चीजें याद हो जाती है, क्योंकि एक लंबा फेज वहां गुजरता है, तो जिसका भी जहां पे होता होगा, तो हम लोग का मुखर्जी नगर के साथ वो लगाव है, तो जम के पढ़िए और फेल मत करिए, ये ज्यादा जरूरी है, और उससे भी जरूरी है कि अपने एफर्ट को जितना मैक्सिमम कर सकते हैं कर डालिए, ठीक, मिलते हैं।